Hello everyone, welcome to the my YouTube channel Online Guru. Today I am going to discuss the next exercise of your book 1.3 NCERT based, just for the UP board and the CBSE board. जैसा कि आप लोग जानते हो कि NCERT ही चलती है, अब तो यूपी बोर्ड में स्टेट बोर्ड में भी NCERT चल रही है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एक्सरसाइज. ठीक है, बिफोर कमिंग टू थर्ड एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू कन्फर्म वेदर यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस वीडियोज और नॉट 1.1 एंड 1.2. अगर नहीं देखी है जस्ट गो थ्रू फॉर वंस सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. ठीक है, एंड आई एम सजेस्टिंग यू इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू गेट द रिसेंट अपडेट अबाउट द वीडियोज आई एम लॉन्चिंग. द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड द रेस्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस फर्दर. ओके, तो द क्वेश्चन इज अबाउट दिस एक्सरसाइज इज अबाउट द रिकरिंग एंड द टर्मिनेटिंग. तो मैं पहले बात कर लूं कि रिकरिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है. रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिशन. सपोज करिए मैंने कहा 10/3, तो 10/3 को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3.33333 एंड सो. तो ये हमारा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. क्या हुआ मतलब 3.333 एंड सो ऑन, ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा. इसको किस तरह लिख सकते हैं, 3.3 डॉट, इसको इस तरह भी लिखते हैं और 3.3 बार भी लिखते हैं. ठीक है, बार एक्चुअली में मोर देन वन डिजिट के लिए होता है और ये वन डिजिट के लिए डॉट. तो ये हमारा क्या हुआ, रिकरिंग हुआ. और ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर. ऐसा नहीं कि 10 बार 3 आएगा उसके बाद एंड हो जाएगा. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड इट इज रिकरिंग ऑल्सो. तो कई बार ऐसा होगा कि हमें रिकरिंग डेसिमल्स पूछे जाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग पूछा जाएगा, तो वर्ड्स से हमें फैमिलियर होना पड़ेगा. ठीक है, और एक बात और मैं बात करना चाहूंगा कि रिकरिंग या टर्मिनेटिंग होता कब है. अगर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय, चलिए मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूं. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आएगा तब मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं. ओके, तो आई थिंक आपने कभी 2/1000 इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया. अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं बता दूं जितने भी डेसिमल्स, जितने भी जीरोस इसमें होते हैं हम ऊपर उतनी डिजिट के पहले डेसिमल लगा देते हैं. अब यहां पे कितने जीरो थे, 3 जीरो, यहां पे तो एक ही डिजिट है, तो वी पुट द 2 जीरो बिफोर द नंबर, बाद में नहीं बिफोर द नंबर, और यहां पे क्या लगा देंगे डेसिमल. ये प्लेस खाली है तो 0.002 हमारा आंसर हो जाएगा. दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व द फ्रैक्शन वेयर वी कंटेन्स द मल्टीपल ऑफ 10. 10 का मल्टीपल होता है, या 100 हो, 1000 हो, या 10,000 हो, 2000 नहीं, 2000 इज नॉट द मल्टीपल. ठीक है, हमेशा यहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 तो होगा लेकिन इट ऑल्सो कंटेन द 1 ऑल्सो. सो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में देखेंगे 36/100, और 36/100 क्या हो जाएगा, दो नंबर, दो जीरो है तो वी विल गेट द 0.36 इज द आंसर द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1/11. अब 1/11 ऐसे सॉल्व नहीं होगा, वी हैव टू सॉल्व इट. तो 1 को अंदर रखेंगे, 11 को बाहर, डेसिमल 0, 0, 0, 9, 99, वी गेट द 1. तो एक डेसिमल लग चुका है 0, 0, तो ये हो क्या रहा है, देख रहे हैं रिपीट हो रहा है 0909 करके. तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 0.090909 एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा. तो ये क्या हुआ, 0.09 का बार, ये क्या हुआ रिकरिंग, क्या रिकर कर रहा है, रिकर मतलब रिपीट, क्या कर रहा है 0.09 रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा, रिकरिंग हुआ एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो. 4/1/8, तो 4/1/8 के बारे में आप अगर मिक्स फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे तो ये हो जाएगा 8 × 4 + 1, 32, 33/8. ठीक है, सॉल्व करते हैं 33/8, 8 × 4 = 32, वी विल गेट 1, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 8 × 1 = 8, 20, 2 = 0, 8 × 2 = 16, 4 = 8 × 5 = 40.
देख रहे हैं, ये खत्म हो गया, ना ये रिपीट हुआ और ना ये नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ बढ़ा, ये टर्मिनेट हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका, 4.125। ठीक है, और अगर हमसे कोई पूछता है कि ये रिकरिंग है या नहीं, हम ऑब्वियस कह देंगे ये रिकरिंग नहीं है, ठीक है, और टर्मिनेटिंग तो है ही है। 3/13 को सॉल्व करना है तो 3 को अंदर लिख ले, 13 को बाहर लिख ले, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 13 × 2 = 26, 40, 13 × 3 = 39, 10, 0 लगाया, 0, 13 × 7 = 91, 90, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये 20 आया, 20 के बाद भी ये सॉल्व नहीं होगा, 13 × 13 = 70, तो ये चलता जा रहा है, ना ये रिपीट हो रहा है और ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, और ये चलता ही जाएगा, सो इट इज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ना रिकर हुआ ना टर्मिनेट हुआ, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे पता करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 2/11, तो 2 = 11, 0, 11 × 11 = 9, 0, 11 × 8 = 88, 2, 0, अब देख रहे हैं 2 × 11 = 11, then again 9, 0, 11 × 8 = 88, again 2 आया, फिर 1, तो हो क्या रहा है 1818 करके रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.18 विद बार, बार का मतलब रिपीट होना, तो ये क्या हुआ, रिकरिंग भी हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ। मेरे ख्याल से अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि रिकरिंग का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज 329/400, इसको भी हम उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, जिससे हमें जो कंक्लूजन निकला, ये तो ठीक है रिकरिंग है कि नहीं, टर्मिनेटिंग है कि नहीं, वो आपने डिवीजन में भी पढ़ा होगा बचपन में कि भाई जो एंड हो रहा है तो वो टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, सीधी सी बात। लेकिन एक बात बच्चों याद रख कर लो कि अगर कभी भी ये नंबर डिनोमिनेटर का नंबर P/Q के फॉर्म का होगा, अगर ये नंबर इसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कुछ होता है तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। क्या मतलब हुआ, अगर मान लो यहां पे होता 50, आप ऊपर कुछ भी रख लो, 3/50 रख लो, 3/50 को सॉल्व करोगे तो 2 × 25, 2 × 5 × 5 होता है, ये 2 और 5 है, ठीक है, ये टर्मिनेट होगा, आप इसको करके देख लेना, ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 13, 11, 11 है तो ये 2 और 5 के फैक्टर्स में ब्रेक नहीं होगा। ये हो सकता है कि 5 ना हो, ये हो सकता है कि 2 ना हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी नंबर, कोई फ्रैक्शन में हमको ये बताना है कि आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, तो हम केवल ये बता देंगे कि जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि अभी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, ये याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/7 क्या कहा इन्होंने, 1/7 की वैल्यू दे रखी है, इसका क्या मतलब हुआ बार का, इसका मतलब ये हुआ कि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 1/42857, 1/42857, 1/42857, ये इस तरह से रिपीट होता चला जा रहा है। क्या कहा इन्होंने, 2/7 निकाली, तो 2/7 बेसिकली है क्या, 2 × 1/7 ही तो है, 3/7 क्या है, 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7, इसको क्या कह सकते हैं, 2 × 0.142857 बार, इसको सॉल्व करिए जरा, 2 × 7 = 14, 5 × 10 = 11, 2 × 16 = 17, 2 × 4 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, 0.2857 बार, ठीक है। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 6 से, बस 6/7, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/7, मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, बस हमको उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग, ठीक। अब ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं तीनों ही डिस्कस करूंगा, ठीक, तीन क्वेश्चन इसलिए दिए भी गए बिकॉज तीनों में ही वेरिएशन है।
अच्छा इसका मतलब क्या है बता दूं, इसका मतलब है 0.66666, इसका मतलब है 001001001, इसका मतलब क्या है 0.47777, क्योंकि आप बार देख रहे हो केवल 7 के ऊपर लगा है, 3-4 के ऊपर नहीं लगा, तो जिसके ऊपर बार लगेगा केवल वही डिजिट रिपीट होगी। ठीक है, समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए दोबारा बताऊंगा। खैर 0.6 का बार, इसके स्टेप्स याद कर लिए, हम क्या करेंगे 0.6 बार, इसका क्या मतलब हुआ 0.666666, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, ये कितनी बार सिक्स आया होगा, इनफाइनाइट टाइम्स, लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितनी बार भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस x को 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। क्या किया मैंने, जो भी हमने यहां नंबर माना था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, ये 10x बन गया। ठीक, अगर कभी भी 10 से मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल खिसक के एक राइट साइड चला जाता है, ये क्या बन गया हमारा 6.66666। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल खिसक के एक साइड चला गया, 100 से मल्टीप्लाई होगा डेसिमल खिसक के दो साइड चला जाता। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये कितनी बार था, इनफाइनाइट, 10 करोड़ मान लेते हैं, ये कितनी बार हुआ केवल घर वाला, 9,99,00,000 बार। अगर ये 10 करोड़ बार है तो 9,99,99,999 बार, तो कहने का मतलब ये है कि लगभग लगभग ये बराबरी है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स में हम कोई काउंट ही नहीं कर सकते। तो अगर ये दोनों बराबर हैं और मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 10x माइनस x कितना होगा, 9x होगा। ठीक है, ये 1x, 10x माइनस 1x कितना होगा, 9x होगा। अब अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो राइट साइड वाला तो पूरा ही पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 0। डेसिमल के बाद वाला कितना बचा, 0, और डेसिमल के पहले वाला 6 माइनस 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6/9, 3 2 6, 3 3 9, तो कितना बना, x इज इक्वल टू 2/3। इन्होंने क्या कहा था, 0.6 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, मैंने कहा x की वैल्यू 2/3 ही इसका फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है, अगर नहीं तो एक बार और वीडियो रिपीट करके आप देखिए, नहीं आता तो दोबारा पूछिएगा। अगला पार्ट देखिए, ठीक है, 0.4x = 0.47 बार। ठीक, क्या करें हम इसमें, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते, 0.47777 लिखते जाओ, क्या करें 10x कर दें, कितना हो जाएगा डेसिमल की सबके इधर, तो 4.77777 एंड सो। ठीक है, इतना सही है, दिस माइनस दिस कितना हुआ, 9x हुआ। ठीक, अब आप ध्यान दो, ये वाले 7 तो सब खत्म हो जाएंगे इन सबसे, ये वाला रह जाएगा क्योंकि यहां 7 है यहां 4 है, लिख लेते हैं 7 माइनस 4 कितना होगा, 3, बाकी तो 0 होंगे, इतना तो है ना, बाकी तो 0 ही होने हैं, एक ये रह जाएगा, तो भाई माइनस कर लिया हमने, डेसिमल लगा दिया, 4 माइनस 0 4। ठीक, x इक्वल टू क्या होगा, 4.3/9, डेसिमल के बाद 0 काउंट नहीं होते, ठीक है, लास्ट में 0 काउंट नहीं होते, डेसिमल हटाया तो क्या बचेगा, 0, तो 43/90 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सही है, 0.001 अभी तक 10x इसलिए मल्टीप्लाई होता था बिकॉज वी हैव द रिकरिंग डिजिट्स इक्वल टू 1, केवल एक डिजिट रिपीट होती थी, एक डिजिट रिपीट होती थी, इस बार क्या है 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो क्या करें हम, x इज इक्वल टू 0.001 बार, मींस 0.001 001 001 एंड सो ऑन। एक डिजिट रिपीट होती थी तो 10 से करते थे, 2 डिजिट रिपीट होती तो 100 से करते, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से करेंगे। ठीक है, 1000 से करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होके 10 डिजिट राइट, तो 001.0001001001 एंड सो ऑन। अब यहां देख रहे हो ये सब सेम है, तो डेसिमल के बाद वाला तो देखो पूरा ही खत्म हो गया,
जीरो, और पहले क्या बचा वन, और इधर क्या बचा थाउजेंड माइनस एक्स नाइन नाइनटी नाइन, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन नाइन नाइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में? एक बार देख लो, अगर नहीं आता है जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एक बार देखो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंटेशंस, कैन यू गेस विच प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्या कहा इन्होंने कि पी और क्यू रेशनल नंबर से, पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर है, और क्यू कौन सी, इनके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये जो जो भी क्वांटिटी मिलेगी टर्मिनेटिंग है, तो क्यू के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में टू और फाइव के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू मस्ट बी ऑफ फॉर्म टू की पावर एम मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन, मतलब ये एम कुछ भी हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए डिनोमिनेटर में टू है ही नहीं, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और एन की वैल्यू जो भी है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हम क्यू के फैक्टर्स लें तो क्यू मस्ट बी ऑफ द फॉर्म टू की पावर एम फाइव की पावर एन। इसमें इन्होंने क्या कहा, थ्री नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्या बताना है हमको, तीन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, पहला तो हमारा यही हो गया 0.01001 0001 0001 0001, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नहीं, क्या ये टर्मिनेट होने वाला है, नहीं, तो ये क्या हुआ, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है, इसी तरह कुछ भी ले लीजिए 0.02 ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एग्जाम्पल ही तो देने हैं। सो थर्ड लेना है 0.03 ले लीजिए, ठीक है, अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल है इसी का, हो सकता है आपको सोल्यूशन शीट में कुछ और मिले, लेकिन ये भी तो हमारा एग्जाम्पल है 0.03, ठीक है। एक बात और, अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ये रिकरिंग भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के लिए, जैसे कि अभी हमने प्रूफ किया था कि 0.66666 एक रेशनल नंबर है जिसका हमने सोल्यूशन भी निकाला था, तो वो रिपीटिशन हो रहा था, रिकरिंग था, लेकिन यहां पर रिकरिंग नहीं है, तो ये तीनों नंबर कैसे है, इरेशनल नंबर भी है। 5/7 and 9/11 के बीच में तीन इरेशनल नंबर निकालने, तीन इरेशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो रहे हो और एंड ना हो रहे हो। तो पहले इसको सॉल्व कर, अच्छा एक बात और, नीचे 7 और 11 है, इसका मतलब ये खुद भी नॉन टर्मिनेटिंग है, चलो सॉरी नॉन रिकरिंग है। 5, 7 बात कर, 7.077 था 49, 10, 7 1's are 7, 3 0, 7 4's are 28, 2 0, 7 2's are 14, 6 0, 7 8's are 55, 4 0, 7 5's are 35, and 5 0, 5 0, 5 0, इसका मतलब ये रिपीट हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 7 1 4 2 8 5, और यही बात वापस रिपीट होगी, क्यों, क्योंकि दोबारा हमें 50 मिल गया, दोबारा 50 ये सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं 5/7 जो है 0.714285 है रिपीटिंग में, ठीक है, यही कह सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज 9/11, 9/11 क्या है, 9 अंदर 11 बाहर 0, 11 8's are 88, 2 0, ठीक, 11 1 11 99 90 11 8's are 88, दोबारा ये आ गया 2 0 11, देख रहे हैं 0.81 0.81, तो ये क्या हो जाएगा 9/11 = 0.81 का। अब ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच में आप हमें तीन इरेशनल नंबर बताइए, तो हमने कहा ये तो बहुत आसान है, हम ऐसा नंबर ले लें जो इससे बड़ा और इससे छोटा हो,
तो इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा? 0.7। यहां पे 2 लगा दीजिए, 24285, ये इससे बड़ा नंबर है। अगले में 3 लगा दिए, 0.73485 और 0.74285, इससे तो छोटा ही है ना। अगर यहां तक 8 आता तो इसके बराबर होता, जब 8 आया ही नहीं तो उसके बराबर कैसे होगा? तो ये तीनों ही नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? 5/7 का हमने वैल्यू निकाली और 9/11 की वैल्यू निकाली, इन दोनों के बीच में 3 हमें नंबर बताने थे जो इरेशनल हो, ठीक है? हमने ये नंबर बता दिए, ठीक। ठीक है, और द नेक्स्ट पार्ट इज अंडर रूट 29, अंडर रूट 225, 0.3976, 7.478, 478। इन्होंने कहा इसमें बताइए रेशनल इरेशनल कौन से हैं? क्या अंडर रूट 29 की वैल्यू पता आपको होगी? कुछ डेसिमल में होगी, सर्च फॉर्म है, अंडर रूट 29 कोई वैल्यू नहीं होती। अगर सॉल्व करने में भी आएंगे तो ये अंडर पॉइंट में कुछ मिलेगा, इरेशनल है। जिसका अंडर रूट सॉल्व ना हो दैट इज नॉट इरेशनल। 225 का अंडर रूट मैंने कहा था, अंडर रूट याद कर लीजिए 15 का होता है, तो ये क्या होगा? रेशनल। 0.9, 0.3976, क्या ये रख रही है? क्या बार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये भी रेशनल है। 0.478478478 रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग है, तो ये क्या बनेगा? 7.478 का बार, तो ये हुआ हमारा रेशनल। अभी मैंने कहा था जो रिकरिंग होंगे, रिपीट होंगे, वो रेशनल होंगे। क्या ये रिकरिंग है? 10100 10000 बढ़ रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। आई ठीक है, दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, इतनी टफ एक्सरसाइज नहीं थी ये। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा इसमें, दैट इज नॉन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आए थे, जिसमें हमने 0 point something को बार को हमने रेशनल नंबर प्रूफ किया था या रेशनल नंबर का फाइंड आउट किया था, P/Q फॉर्म लाए थे। एक वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो उसको एक बार वापस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एक ये क्वेश्चन, बाकी तो इसमें केवल देखने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इनको एक बार देख लीजिएगा, सो दैट यू कैन नो व्हाट इज इरेशनल नंबर एंड व्हाट इज रेशनल नंबर। जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड अबाउट द रेशनल एंड इरेशनल। इसमें जो बात इस एक्सरसाइज में जो सीखने वाली बात थी, दैट इज नोन एज द टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट व्हाट आई एम टीचिंग यू। ठीक है, अगर अभी भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ठीक है, ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट द रीसेंट अपडेट ऑफ माय चैनल। आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर कोर्स टिल द लॉकडाउन एंड्स, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू।